चंद्र जी, बात बताइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। माननीय काशीराम साहब के टाइम से बहुत सारी मीटिंगें कमरों के अंदर बंद होके होती हैं, तो आखिर होता क्या है? बहुत सारे लोग उसको जानना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ज़रूर बताएं कि क्या होता है ये बंद कमरों की मीटिंग का रहस्य। बंद कमरे में एक कैडर कैंप होता है बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को, तमाम इस देश में जो महापुरुषों ने हमारे साथ हमारे लिए जो संघर्ष करे, उनके जीवन के संघर्ष की, बाबा साहब के संघर्ष की, तमाम उन विषयों पर बताते हैं हम सब लोग कि बाबा साहब क्या चाहते थे, बाबा साहब हमें क्या देना चाहते थे, बाबा साहब ने हमें क्या दिया है, क्या देना चाहते हैं। यानी कि बहुजन समाज पार्टी का एक कैडराइज कार्यकर्ता तैयार कर उसको बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार किया जाता काम करने के लिए। जैसे तमाम आरएस का काम करते हैं, वही काम हमारा भी, हम भी अपने समाज के लोगों को तैयार कर इस देश में कार्यकर्ता बनाते हैं, नेता बनाते हैं, बहुजन समाज की और बहुजन समाज पार्टी के कोई दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में नेता है, इसकी दिशा निर्देशों में काम करना चाहिए। जो हमारी माननीय बहन जी की चाहत है उसको बताने का काम करते हैं कि माननीय बहन जी को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाए, किस लिए चाहिए, ये नेता क्यों अच्छा है हमारे लिए, क्या खूबियाँ हैं इनके अंदर, क्यों शासक है, हो सकता है अच्छे शासक का क्या वो होता है, क्या चरित्र होता है, कितना उन्होंने संघर्ष किया हमारे लिए, कितना वो संघर्ष कर रही हैं, तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है और उनको कैडराइज कर बहुजन समाज पार्टी उनको शामिल किया जाता है कि हम सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें, बाबा साहब के लिए काम करें, अपने बहुजन समाज के महापुरुषों के उनके मान सम्मान के लिए काम करें। यही कैडर का रूप होता है।